हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला था कि आप एमएस वर्ड में कैसे टेबल बनाते हैं। दोस्तों, अभी तक आप एक्सेल में जानते थे कि एक्सेल में काम होता है कि टेबल वगैरह बनाना या रो कॉलम इंसर्ट करना, ये सब एमएस वर्ड में भी होता है। ये कैसे होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि एमएस वर्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए जो पहले हमने अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने आपको मिरर, लाइन, शॉर्टकट की बहुत सारी चीज़ों को बताया है, जिसे आप देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए हम बताते हैं आज की वीडियो के बारे में कि आप टेबल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने न्यू कर लिया होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लिया होगा। ठीक, जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा। फिर इसके बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, या कि इससे पहले आप कुछ इसमें ड्रा करना चाहते हैं, मतलब लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि टेबल। इसके बाद से आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेंटर में। अब आप इसके बाद चाहते हैं कि टेबल के लिए सबसे पहले ये इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और ये टेबल देखिए, इसमें बहुत सारे टेबल्स और ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट ला सकते हैं टेबल। लेकिन यहाँ पे हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं कि आप कैसे ये बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पहले हम तीन लें, इसमें आप और इसके बाद आप इसमें चाहते हैं कि एड्रेस हो, और इसके बाद इसमें और आप इसमें भी चाहते हैं नाम में सिर्फ पहला नाम ऐसा होना चाहिए जो कॉलेज के नाम, या कि और बहुत सारी चीज़ आप बना सकते हैं इसमें। आप देखिए, ये देखिए, इसमें आप इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसमें चाहते हैं तो ठीक है ना, सिंपल ही बना दीजिए, से नाम आप लिख दीजिए जिसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इसके बाद एड्रेस लिख दिया आपने, ईमेल लिख दिया, लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप gmail.com भी लिखिए, और लिख भी सकते हैं। आपको चाहिए तो आप इसे और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इतना कर दिया तो बस इतने में है सम्मिलित। ठीक है, आप उसके हिसाब से वो अपना एडजस्ट कर लेगा। ठीक, और इसके बाद भी आप चाहते हैं कि दूसरी टेबल बनाऊँ मैं, और अच्छी तरह से थोड़ा इफेक्टिव दिखना चाहिए यार, तभी ना एट्रेक्टिव होता है। देखिए, ये जो जैसे हमने टेबल बनाया, इसमें हमने कोई भी डाटा दे दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, आप इन सब में कोई भी डाटा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये लिख दिया तो बस वही रहेगा। कुछ डिजाइन डालना चाहते हैं तो ये देखिए, डिजाइन में ये बहुत सारी डिजाइन दी हुई हैं। इतना ही नहीं, आप इसमें से देखिए, ये जो जिस पर भी आप चाहते हैं कि किस डिजाइन से आपका टेबल दिखना चाहिए, जैसे ये का, वैसे ही ज़्यादातर लोग यूज करते हैं इसी को, हैं सिंपल वाला कि इसमें समझ में आता है। और इसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो इसमें समझ में आएगा कि हमने क्या बनाया हुआ है और क्या कैसे किया हुआ है। एक हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कैसे होता है। तो ये देखिए, जैसे हमको यहाँ पे लाइन बनानी है तो हमने ये ऑप्शन करके इंटर कर दिए, तो लाइन ले लेता है, हमको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कितना लेगा क्या लेगा। अगर हमको स्पेस चाहिए तो ये भी सही है, और इस सिलेक्शन के आधार पर ये बनता है, ये जान लीजिए दोस्तों। आप इसे जितना लंबा सिलेक्ट कर देंगे उतना ही लाइन ये चली जाएगी। ठीक, ये सिलेक्शन के आधार पर होता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज होता है। इसे हमने सिलेक्ट करा ये। ठीक,
कलर करना चाहते हैं तो जो कलर जैसे नाम का चेंज करना है तो ये देखिए हम रेड चाहिए तो रेड है, ये चाहिए तो ये, जो भी कलर आपको चाहिए आप इसमें से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कर दिया, ये रेड हो गया ठीक। इसके बाद और बहुत सारे ये होते हैं, जैसे मैंने इसको करना है दूसरा कलर करना है तो आप इसको दूसरा कलर कर दीजिए ठीक। जैसे जैसे आप डिजाइन करना चाहते हैं ठीक उस हिसाब से आप पहली लाइन को आप डिजाइन करना चाहते हैं तो इसके ये देखिए जितने में लिखा होगा उतने में ही ये बैकग्राउंड लेता है। ये देखिए सिर्फ उतने में बैकग्राउंड दिया ना, अब इसमें जितना आप सेलेक्ट कर देंगे उतना ही ले लेगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा तरीका है। ये देखिए आपको यदि पूरे में चाहिए तो ये पूरा वाला ले लीजिए, ये थीम कलर्स में जाइए, ये देखिए कितना इफेक्टिव तरीका है। आप इसमें भी यदि करना चाहते हैं तो आप ये थीम कलर में जाके जो कलर चाहिए आपको ये पूरे में आएगा, ना कि एक में किसी में ठीक। और वो तो रहेगा ही साथ में, ये भी रहेगा दोस्तों। तो आज हमने आपको बहुत सारी जानकारी बताई, कुछ नया लगा हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि सब्सक्राइब करना दोस्तों फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है आप भी जानते हैं, ताकि हम लोग बनाते रहें ये वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।